चैप्टर टू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें टोटल 6 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे किंगडम मुनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाय, चौथा किंगडम प्लांटी, एंड लास्ट वन इज किंगडम एनिमलिया। देन वायरस, वायराइड एंड सम लाइकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन पीरियड बहुत सारा अटेम्प्ट, बहुत सारा कोशिश किया गया था कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया जाए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक, बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल एक सबसे पहले ट्राई किए थे कि क्लासिफिकेशन के बेसिस, क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पे। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इन टू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखा, जो कि सिर्फ जो बाहर से दिखता है, और उसे ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स इन टू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। और इन्होंने एनिमल को भी दो ग्रुप में बांटा, जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास नहीं था। देन उसके बाद आए कार्लस लिनियस। ही गिव्स टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद द प्लांटी एंड एनिमलिया। इन्होंने दो सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसका नाम था प्लांटी एंड एनिमलिया। एंड ही वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली, ये बहुत दिन तक यूज में लिया गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकेरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी। इनका सबसे ज़्यादा ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्होंने दिया था कार्लस लिनियस ने, इनका सबसे ज़्यादा खामी ये था कि ये अच्छे तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था यूकेरियोट को और प्रोकेरियोट को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एंड फोटो सिंथेटिक एल्गी को, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरीज। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थे, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिट नहीं होते थे। हिंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट, अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अदर करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एटीसी। क्लासिफिकेशन सिस्टम और द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हिंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, थो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म वी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड द नेचर ऑफ द किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें सुधार किए टाइम टू टाइम। कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये चार्ट हम लोग को पूरा याद करना होगा, ठीक है। ये चार्ट पूरा हम लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसे एक एक करके वेरीफाई करते हैं। सेल टाइप्स, करेक्टर्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आरएसवीटी में दिया था, और इसका
इसमें क्या क्या लिया गया है, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया था, क्लासीफाई किया गया है, इसे देखते हैं। पहले सेल टाइप देखते हैं। प्रोकैरियोटिक मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, यानी कि सिंगल सेल जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। देन उसके बाद प्रोटिस्टा में, सिर्फ यूकैरियोट को रखा गया। फंजाई में ऑल्सो यूकैरियोटिक एंड प्लांट ऑल्सो यूकैरियोटिक एंड एनिमल्स ऑल्सो यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, या फिर आप लोग जानते ही होंगे। प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया विच हैव नॉट न्यूक्लियस इनवेलप, और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेल वॉल। नॉन सेलुलोजिक पोलोसैकेराइड अमीनो एसिड, इसके सेल वॉल में ये चीज़ पाया जाता है। एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट इन सम कुछ कुछ में पाया जाता है अमीनो एसिड वगैरह वगैरह। फंजाई, फंजाई में प्रेजेंट विथआउट सेलुलोज, फंजाई में सेलुलोज नहीं होता सेल वॉल में, फंजाई के सेल वॉल में सेलुलोज अब्सेंट होता। इन प्लांटी देर इज सेलुलोज प्रेजेंट, इन एनिमलिया सेल वॉल तो होता ही नहीं है, दैट इज अब्सेंट। नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर अब्सेंट होता है। किंगडम मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमलिया में प्रेजेंट, बिकॉज दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर और लोस टिश्यू। यहाँ पर प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम होता है। एंड इन एनिमल या में, इन एनिमल किंगडम में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बहुत होता है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम होता है। सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इज आइज, हार्ट वगैरह वगैरह। मॉडर्न ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन ये खाना कैसे लेते हैं, इन पे डिपेंड, इस पे भी क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर ये ऑटोट्रॉफिक होता है, केमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है, एंड सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक जानते हैं आप लोग। नाउ कौन किंगडम प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक भी, मे बी हेटरोट्रॉफिक भी होता है। फंजाई में आते हैं तो हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट। फंजाई इज सेप्रोफाइटिक पैरासाइट, इसे ये भी बोलते हैं, एंड हेटरोट्रॉफिक नेचर होता है। प्लांटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक सब जानते हैं, एंड हेटरोट्रॉफिक एनिमल हम लोग क्या है, चाहे तो हेटरोट्रॉफिक है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। नाउ आर एच विटेकर 1969 प्रपोज अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, जिसके बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़े। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाई हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे से कैसा रिलेशन रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम। ही गिव्स कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम्स। लेटेस्ट लुक एट द दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज। लेटेस्ट लुक एट द एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टेरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, सिनोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। इन टू किंगडम सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहा है। इन यहाँ पर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, जहाँ पर फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को सबको एक प्लांट कैटेगरी में डाल दिया गया था। नाउ इन दिस फाइव किंगडम्स द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिज इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विच अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक्स। इट ऑल्सो
group together the unicellular organisms and the multicellular ones. Cells, for example, Chlamydomonas and Spirogyra, were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic groups, fungi, and the autotrophic green plant, though they also saw the characteristic difference in their walls compositions. The fungi had chitin in their cell wall, while the green plant had cellulose. ये पॉइंट याद करना, फंजाई के पास क्या होता है, काइटिन, एंड ग्रेन के पास के पास सेलुलोज. ये पॉइंट याद करना, क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है. सेल वॉल सच When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. All prokaryotes organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotes organisms were placed in kingdom Protista. Jitna bhi unicellular eukaryotes the, usko Protista mein rakha gaya. Prokaryotes the, usko kingdom Monera mein rakha gaya, and fungi ka ek alag hi kingdom बना दिया गया है बिकॉज ऑफ सेल वॉल प्रेजेंटेशन. द किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमेडोमोनास कोलेरा कोरेला एंड एयरलियर प्लेस्ड इन एल्गी. टू किंग सिस्टम में एल्गी में रखा गया, यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया इसको. विद इन प्लांट एंड बोथ हैव सेल वॉल्स विथ पारामेशियम एंड अमीबा. पारामेशियम एंड अमीबा क्या है, विच वर एयरलियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल. इसमें सेल वॉल नहीं होता. इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म्स विच इन एयरलियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स. दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज. दिस किंगडम काइंड्स ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर स्टैंडिंग ऑफ क्राइटेरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी. ये सब जो चेंजेस हो रहा है ये फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है, जैसे जैसे रिसर्च होगा इसके बारे में, जितना ज़्यादा हमें पता होगा उसके हिसाब से इसको क्राइटेरिया दिया जाएगा, उसको क्लासिफाइड किया जाएगा. ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट ईच also phylogenetic that is based on evolutionary relationships. In this chapter we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification, the kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as the plant and animals kingdom respectively, will be dealt with separately in chapter 3 and 4.